नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले आज के सुर्खियों पर। जब तक युद्ध चल रहा है तब तक हथियार मत डालो, त्योहार से पहले प्रधानमंत्री ने देश को दी चेतावनी। गडकरी का अहम फैसला, जबकि ईंधन की बढ़ती कीमतों से आम जनता परेशान है, 3 महीने में जारी होगा आदेश। हिंदू विरोधी गतिविधियों का पुरजोर विरोध। धोनेवाड़ी आत्मा मालिक ध्यानपीठ ने मनाया कोजागिरी पूर्णिमा। कारतगा ग्राम पंचायत के 14वें वित्त आयोग। निपानी में लोकमान्य तिलक उद्यान शराबियों के लिए अड्डा बन गया है। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। COVID-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831-243577 और 8884-121718। समाचार विस्तार से। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में भारत ने महज 9 महीने में 100 करोड़ से ज्यादा का टीकाकरण कर नया रिकॉर्ड बनाया है। टीकाकरण पर इस प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सुबह 10 बजे राष्ट्र को संबोधित किया। इस समय 100 करोड़ टीकों के खुराफ सिर्फ आंकड़े ही नहीं है, यह देश की ताकत का परिचय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इतिहास का एक नया अध्याय तैयार किया जा रहा है। कृतम में दक्षिणे हस्ते, जायो में सव्य अहितः। यदि आप इसे भारत के संदर्भ में देखते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे देश ने एक तरफ अपना कर्तव्य निभाया है और दूसरी तरफ बड़ी सफलता हासिल की है। कल 21 अक्टूबर को 100 करोड़ टीकों की एक खुराक पर एक कठिन लेकिन असाधारण ध्यान दिया गया। ये देश के 130 करोड़ नागरिकों की शक्ति है, इस वजह से यह सफलता भारत की है। मैं इसके लिए सभी को बधाई देता हूँ, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। गडकरी का अहम फैसला, जबकि ईंधन की बढ़ती कीमतों से आम जनता परेशान है, 3 महीने में जारी होगा आदेश। ईंधन की बढ़ती कीमतों पर आम चिंताओं के बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आश्वस्त करने वाला फैसला लिया है। अगले 6 महीनों में फ्लेक्स फ्यूल इंजन पूरे देश में वाहनों में अनिवार्य किए जाने की उम्मीद है। नितिन गडकरी ने यह जानकारी देते हुए कहा है कि वो वाहन निर्माताओं से फ्लेक्स फ्यूल इंजन बनाने के लिए कहेंगे। फ्लेक्स फ्यूल इंजन इथेनॉल, CNG और बायो CNG विकल्पों पर चलेगा। इस अवसर पर बोलते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग अगले 15 वर्षों में 1.5 ट्रिलियन रुपए का होगा। हम फ्लेक्स फ्यूल इंजन के निर्माण की अनुमति देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल करने पर विचार कर रहे थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि सभी वाहन निर्माताओं को अगले 6 से 8 महीनों में एक फ्लेक्स ईंधन इंजन, जो एक से अधिक ईंधन पर चलता है, उसे बनाने के लिए कहा जाना चाहिए, ऐसा गडकरी ने कहा। हिंदू विरोधी गतिविधियों का पुरजोर विरोध। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के साथ कई तरह से अन्याय हो रहा है, जिसका हिंदू जनजागृति समिति ने विरोध किया था। समिति ने धर्मवीर संभाजी चौक पर प्रदर्शन करते हुए इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इसी तरह भारत आने के बाद भी बांग्लादेशी समुदाय ने बच्चियों पर हो रहे अत्याचारों का विरोध किया और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। धोनेवाड़ी आत्मा मालिक ध्यानपीठ ने मनाया कोजागिरी पूर्णिमा। कोजागिरी पूर्णिमा और 14 कार्यक्रम परमानंद महाराज की उपस्थिति में धोनेवाड़ी तालुका निपानी में आत्मा मालिक ध्यानपीठ में बड़े उत्साह के साथ आयोजित किया गया। इस अवसर पर पहली बार प्रातः अभिषेक हुआ। इसके बाद गांव के भजन मंडल की ओर से भजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उसके बाद भीमराव खोत, अन्ना साहेब नागराले, महालिंग सूर्यवंशी और सोमनाथ परकाले द्वारा आरती की गई। भक्तों ने दर्शन किए। इस अवसर पर आत्मा मालिक ध्यानपीठ के सभी सदस्य एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। कारतगा ग्राम पंचायत के 14वें वित्त आयोग। कारतगा ग्राम पंचायत के 14वें वित्त आयोग ने ग्राम पंचायत कार्यालय में कारतगा में सभी आंगनवाड़ियों को खेल उपकरण वितरित किए। सरकारी आंगनवाड़ी एवं विद्यालयों के प्रति विद्यार्थियों का रुझान बढ़ाने तथा विभिन्न खेल उपकरणों एवं खिलौनों को देखकर बच्चों में शिक्षा की मिठास पैदा करने के उद्देश्य से कारतगा ग्राम पंचायत ने सरकारी विद्यालयों के प्रति एक सराहनीय पहल की है। ग्राम पंचायत अध्यक्ष सुदीप सिंह उगाले, उपाध्यक्ष रशीदा पटेल, राजू खिचड़े, विकास अधिकारी नंद कुमार और सभी सदस्यों द्वारा विकलांग कार्यकर्ता पद्मिनी खोत को टेबल और कुर्सियों का वितरण भी किया गया। निपानी में लोकमान्य तिलक उद्यान शराबियों के लिए अड्डा बन गया है।
निपानी के मध्य भाग में स्थित लोकमान्य तिलक उद्यान कई समस्याओं से ग्रस्त है। लोकमान्य तिलक उद्यान का निर्माण आईबी के सामने और महानगर पालिका से कुछ दूरी पर निपानी के नागरिकों को सुकून के पल देने के लिए किया गया था। आज ये पार्क बुजुर्गों के लिए विश्राम का स्थान है जो कई समस्याओं से ग्रस्त है। पार्क में आने वाले नागरिकों को बैठने की व्यवस्था अस्वच्छ है और गंदगी का साम्राज्य है। पार्कों में रोशनी की कमी के कारण हर तरफ अंधेरा है और यहाँ तक कि पार्क को रोशन करने वाली एकमात्र स्ट्रीट लाइट भी पिछले कई दिनों से बंद है। बच्चों और महिलाओं के लिए अंधेरे में जाना मुश्किल हो गया है। नागरिकों द्वारा ध्यान देने की मांग की जा रही है। इस बुलेटिन में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए स्मार्ट प्लस। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831-243577 और 8884-121718। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। 2017 में मध्य महाराष्ट्र एकता समिति ने मराठी भाषा में दस्तावेज प्राप्त करने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया। नेताओं द्वारा जय महाराष्ट्र घोषित किए जाने के बाद भाषाई दरार पैदा करने के आरोप में पुलिस ने 21 नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया था। अदालत ने उस मामले में समिति के 17 नेताओं को जमानत दे दी। अरविंद पाटिल और सूरज कंबरकर शामिल नहीं हो सके। अदालत ने गुरुवार को केंद्रीय समिति के अध्यक्ष दीपक दलवी, कार्यकारी अध्यक्ष मनोहर किनेकर, महासचिव मालोजी अष्टेकर, कोषाध्यक्ष प्रकाश मरगाले, विकास कलगडकी, पूर्व महापौर सरिता पाटील, पूर्व जिला पंचायत सदस्य सरस्वती पाटील, गणेश दड्डीकर, रत्नाप्रसाद पवार, आराय पाटील, दिगंबर पाटील, निगोजी हुद्दर, मदन बामने, हनुमंत माजुकर, राजू बिर्जे, महेश जुवेकर और संजय शिंदे को जमानत दी है। सुनवाई दूसरी JMFC कोर्ट में हुई। महेश बिर्जे, MB बोंडरे, शंकर पाटिल ने कार्य का निरीक्षण किया। प्रदर्शन में महिलाएं शामिल हो। कर्नाटक सरकार सीमावर्ती इलाकों से मराठी भाषा और संस्कृति को खत्म करने की योजना बना रही है। बहुमत को 25 अक्टूबर को विरोध प्रदर्शन में भाग लेना चाहिए। हम सभी को सड़क पर लड़ाई के लिए तैयार रहने की जरूरत है, प्रिया कुर्जी ने अपील की। महिला मोर्चा समिति की बैठक गुरुवार 21 दिसंबर को हुई। श्रीमती कुर्जी उस समय बोल रही थी। बैठक में 1 नवंबर के पालन पर भी चर्चा हुई। महिला मोर्चा के अध्यक्ष रेणु किल्लेकर कुर्सी पर थी। 25 को मोर्चा में शामिल होकर मराठी बाना दिखाने का निर्णय लिया गया। कांचन भटकंडे के मुताबिक पिछले साल कोरोना की वजह से साइकिल की सवारी नहीं हुई थी। उन्होंने कहा कि इस बार ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं साइकिल राउंड में हिस्सा लें और सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करें। पूर्व मेयर सरिता पाटिल ने भी अपने विचार व्यक्त किए। भाग्यश्री जाधव, अर्चना देसाई, रेखा गोजगेकर, अर्चना कावळे, प्रभावती सामरेकर, मंजुश्री कोलेकर, आशा सुपली, शामिनी पाटील, श्रद्धा मंडोलकर सहित अन्य महिला कार्यकर्ता मौजूद रही। मोर्चा और ब्लैक डे राउंड में हिस्सा लेंगे शिवसेना। मराठी भाषियों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ और काला दिवस के दौर में बड़ी संख्या में शिवसेना कार्यकर्ता मोर्चा में शामिल होंगे। इस संबंध में शिवसेना ने बयान जारी किया है। आने वाले समय में मराठी भाषा के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ शिवसेना आक्रामक होने जा रही है। मोर्चा और ब्लैक डे राउंड में बेलगाम शहर और तालुका के और भी शिवसैनिक भाग लेंगे। सभी कार्यकर्ताओं को जागरूक रहने के निर्देश दिए गए हैं। शिवसेना के जिला उप प्रमुख बंडू केरवाड़कर ने बताया कि सीमा मुद्दे का समाधान होने तक शिवसेना चुप नहीं रहेगी। महापौर दिलीप बैलूरकर, राजकुमार बोकडे, राजू तुडियेकर, प्रकाश राऊत, तानाजी पावशे, वैजनाथ भोगन, निरंजन अष्टेकर, प्रकाश भोसले, संजय चतुर, बालासाहेब डांगराले, राजू कनेरी, प्रदीप सुतार, नारायण पाटील, बबन लोहार, सुभाष बालेकुंद्री आदि भाग लेंगे। कनबर्गी में बंद ज्वेलरी की दुकान में चोरी। कनबर्गी में बंद ज्वेलरी की दुकान को तोड़ा गया और 9 तोला के जेवर चोरी हो गए। गुरुवार सुबह इस प्रकार का अनावरण किया गया। दुकान मालिक जयवंत प्रभाकर रायकर ने माल मारुति पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पता चला है कि रायकर शाहपुर में रहता है। कनबर्गी में उनकी ज्वेलरी की दुकान है। बुधवार की रात हमेशा की तरह दुकान बंद कर घर चला गया। गुरुवार की सुबह चोरों ने उसकी दुकान का शटर उठाया तो उसमें 9 तोला के जेवरात मिले। इसकी जानकारी उन्होंने माल मारुति पुलिस को दी। पुलिस निरीक्षक सुनील पाटिल अपने साथियों के साथ मौका वारदात की और पंचनामा किया और एक डॉग टीम को भी बुलाया। माल मारुति पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इंस्पेक्टर पाटिल जांच कर रहे हैं।
आंगनवाड़ी शिक्षकों की भर्ती। बाल कल्याण विभाग की ओर से आंगनबाड़ी शिक्षकों एवं सहायकों की भर्ती किए जाने का आरोप लगाते हुए खानापुर युवा समिति ने गुरुवार को महिला एवं बाल कल्याण विभाग के कार्यालय में धरना दिया। इस समय विभाग के तालुका अधिकारी ने राममूर्ति से मुलाकात की और भर्ती प्रक्रिया को रोकने की अपील की। आंगनबाड़ी शिक्षकों की भर्ती करते समय भर्ती के लिए 10वीं पास होना अनिवार्य है, लेकिन साथ ही उनकी पहली या दूसरी भाषा कन्नड़ होनी चाहिए। परिणाम स्वरूप मराठी के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने वालों की पहली और दूसरी भाषा कन्नड़ नहीं है, इसलिए इस भर्ती प्रक्रिया में मराठी आवेदकों को बाहर रखा गया है। पहले यह भाषा अनिवार्य नहीं थी, इसलिए मराठी बच्चों को मराठी शिक्षक मिल रहे थे, लेकिन सरकार के इस कन्नड़ फतवे ने अन्याय किया है। इसलिए खानापुर तालुका महाराष्ट्र एकता युवा समिति के पदाधिकारियों ने इस संबंध में जवाब मांगने के लिए खानापुर बाल कल्याण विभाग के प्रमुख श्री राममूर्ति से मुलाकात की। गोकाक के मायरा ने एवरेस्ट के काले पत्थर पर चढ़ाई की। 60 साल की 2 महीने की बच्ची ने अपनी लगन के दम पर विश्व प्रसिद्ध एवरेस्ट की चोटी के 5,550 मीटर ऊंचे काले पत्थर को फतह कर लिया है, इसलिए वो ये परफॉर्मेंस करने वाली सबसे कम उम्र की लड़की बन गई है। उसका नाम मायरा श्रेयस देशपांडे है और वो मूल रूप से बेलगाम जिले के गोकाक की रहने वाली है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना दुनिया के सभी पर्वतरोहियों का सपना होता है। कई लोग ऐसा करने के लिए दीर्घकालीन प्रयास भी करते हैं, लेकिन हर कोई सफल नहीं होता। लेकिन महज 60 साल 2 महीने में मायरा ने ये मुश्किल उपलब्धि हासिल कर ली है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।